नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज रूम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों मोदी सरकार पर पूरी तरीके से हमलावर हैं। चीन के बहाने वह सरकार से लगातार सवाल पूछ रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण पाकिस्तान और चीन एक हो गए हैं। दूसरी ओर भाजपा की ओर से राहुल गांधी पर जबरदस्त तरीके से पलटवार भी किया गया है। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि आजकल राहुल गांधी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के एजेंट के रूप में बयान दे रहे हैं। इट्स इनक्रेडिबल दैट श्री राहुल गांधी हु हैज नॉट डन अ सिंगल डेज ऑनेस्ट जॉब इन हिज एंटायर लाइफ इज लेक्चरिंग द ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु is inarguably one of the finest diplomats the country has produced. He's lecturing him on how to do his job and questioning his competence. Rahul Gandhi's knowledge of foreign policy extends to only his foreign vacations. Most of which are kept under wraps for reasons only best known to the Congress family. Beyond these foreign vacations, Rahul Gandhi has no authority or knowledge to be lecturing Indians and the Indian government on how to conduct its foreign policy. Of late, Rahul Gandhi seems to be speaking like the mouthpiece of the Congress of the Communist Party of China. भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि विदेश मामले में राहुल गांधी का ज्ञान उनके विदेश यात्रा और छुट्टियों तक ही सीमित है। इसके अलावा उन्हें विदेश नीति के बारे में कुछ भी नहीं पता है। राहुल गांधी को विदेश यात्रा से जब समय मिलता है तब वो संसद में आते हैं और संसद में जो मन में आता है वे बोल देना चाहते हैं। दूसरी ओर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर प्रहार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कांग्रेस से डरते हैं क्योंकि कांग्रेस सच बोलती है। उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस डरते हैं, उन्हें घबराहट है क्योंकि कांग्रेस सच्चाई के रास्ते पर है। उनका पूरा मार्केटिंग का धंधा है, उनके रिश्ते हैं, उनके मित्र हैं, झूठ फैलाया हुआ है, ऐसे में उनके अंदर डर तो होगा ही। अब एक हो गए हैं और ये हिंदुस्तान के लिए बहुत डेंजरस चीज है। इन चीजों का जवाब प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। मैंने पहले भी कहा था, कोविड के बारे में कहा था कि देखिए कोविड से खतरा है और किसी ने मेरी बात नहीं मानी, प्रधानमंत्री ने भी नहीं मानी। अब मैंने हाउस में बोला है कि चाइना और पाकिस्तान से खतरा है और इसको सीरियसली लेना चाहिए, ये मजाक नहीं है। और ये बाकी जो दो इश्यूज हैं इनको भी सीरियसली लेना चाहिए, ये मजाक नहीं है, ये देश को कमजोर किया जा रहा है। इसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ कहा नहीं। तो अब वन बाय वन प्लीज, लुक, माई ग्रेट ग्रैंडफादर सर्व दिस कंट्री, ही गेव हिज एंटायर लाइफ फॉर दिस कंट्री। So I don't need anyone's certificate for my great-grandfather. My great-grandfather did what he had to do, as did other members of my family, as did millions of people in this country. So I really don't care what anybody says about him. So what do you have to say about what Prime Minister said in the House today? लगातार सारी समस्याओं के लिए उन्होंने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया, यहाँ तक कहा कि कोरोना जो देश में कांग्रेस ने फैलाया है। डरते हैं थोड़ा कांग्रेस से, थोड़ी घबराहट है क्योंकि कांग्रेस सच्चाई बोलती है। उनका पूरा मार्केटिंग का धंधा है। राहुल ने दावा किया कि मैंने तीन चीजें कही थी। पहली बात तो यह कि दो हिंदुस्तान बनाए जा रहे हैं जिसमें से एक करोड़ों लोगों का है जबकि दूसरा कुछ अमीर लोगों के लिए है। दूसरी बात मैंने कही थी कि एक के बाद एक सब संस्थाओं पर कब्जा किया जा रहा है जिससे देश का नुकसान हो रहा है। और तीसरी बात यह कही थी कि प्रधानमंत्री जी की दिवालिया विदेश नीति के चलते चीन और पाकिस्तान एक हो गए हैं, जो कि देश के लिए बहुत खतरनाक चीज है। प्रधानमंत्री ने इन तीनों बातों का जवाब
नहीं दिया है।